डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अजय कॉमर्स गुरु। तो आइए बेटे, बैड डेट्स हम जनरल एंट्रीज क्लास थर्ड में है। पार्ट थर्ड होगा ये जनरल एंट्रीज का, जिसके ऊपर जिस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बैड डेट्स के अंदर। तो बैड डेट्स है क्या एक्चुअली? जो जो डेट्स डूब गए, यानी कि जो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया ना बच्चों, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। बैड और डेट्स, ये दो वर्ड से मिलाकर बैड डेट्स बना है। तो बैड का मतलब खराब और डेट्स का मतलब डेटर। तो जो डेटर खराब हो गया, इन द सेंस बेटे, जो डेटर आपको ऑन टाइम पैसे नहीं दे पाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब एक ऐसा डेटर जो आपका इन फ्यूचर पैसा डुबाने वाला है, पैसा नहीं देने वाला है। तो बैड डेट्स हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है बेटे? लॉसेस है। लॉस को अकाउंट्स में क्या करते? डेबिट करते। तो आइए और क्लियर करते हैं चीजों को क्वेश्चन के साथ। देखो बेटे, श्याम एक डेटर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया। अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रूपी, एक रुपए में 75 पैसा का क्या मतलब है? 75% वो पे कर रहा है। वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ही ओड ₹10,000। भाई श्याम हमारा एक डेटर है जिसने हमसे कितने अमाउंट लिए थे? 10,000। तो 75 पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या है? कि वो हमें 75% अमाउंट पे कर रहा है, आउट ऑफ व्हाट बेटे? आउट ऑफ 10,000, है ना। तो 10,000 से वो हमें 75% दे रहा है, यानी हमें 10,000 का 75% निकाले तो 7500 हमें पे कर रहा है। यस सर। तो 10,000 में उसने हमें, उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, वो हमें कितना पे किया? 75%, यानी 7500। तो 10,000 में से आपने रिसीव जो किया, रिकवरी जो किया, वो 7500। तो हमारे पैसे जो डूब गए, वो कितने डूब गए बेटे? 2500 डूब गए। अब एंट्री क्या बनाएंगे? अब हमें श्याम कुछ पैसे दे रहा है, तो हम श्याम से कुछ पैसे रिसीव कर रहे हो ना, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना, या चेक आया होता तो चेक को बैंक को डेबिट कर देते। कैश डेबिटेड टू, किससे रिसीव कर रहे हो आप? श्याम से। तो श्याम से पैसे लेने की बेसिक जनरल एंट्री क्या है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। जो पैसे आपके बैड डेट्स हो गए, डूब गए, वो तो आपके लिए क्या है? लॉस है। लॉस को अकाउंट में क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो हम लिखेंगे बेटे बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। अब देखो बेटे, श्याम से टोटल लेने कितने थे? सर 10,000 लेने थे। वो हमें कितना परसेंट पे कर रहा है? सर 75 पैसा, यानी 75%। इसका 75% निकालेंगे 7500। पैसे डूब कितने गए बच्चों? 2500। होप चीजें समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ाऊं मैं आपको। अब अगले पॉइंट पे क्या लिखा है? Received cash for bad debts return of last year 5,000। बेटे पिछले साल हमारे पैसे डूब गए थे, उसकी रिकवरी हम लोगों ने आज करी है। तो चाहे जैसे मर्जी रिकवरी करो, कैश हमारे पास आ रहा है बेटे। कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिटेड कर दिया हमने रिकवरी। और जो पैसे लास्ट ईयर बैड डेट्स हो गए थे, तो बच्चों हमने मान लिया था वो पैसे हमारे डूब गए, और डूबे हुए पैसे का रिकवरी हो जाना, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। और सर इनकम को हम अकाउंट्स में क्या करते हो जी? क्रेडिट करते हैं इनकम को। तो लिखेंगे क्या बेटे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट अकाउंट, और अमाउंट कितना? 50,000। आओ बेटे थर्ड एंट्री की बात करें। तो जो आपका थर्ड एंट्री है, वो बिल्कुल पहले एंट्री से मिलता जुलता है। जो आपने फर्स्ट एंट्री किया था, उससे बिल्कुल मिलता जुलता एंट्री होगा बेटे। कौन सा? थर्ड एंट्री होगा। तो रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफिशियल रिसीवर से हमें बेटे 60 पैसा मिल रहा है इन अ रूपी, हु ओड अस ₹1,000। हमसे उसने कितना अमाउंट लिया था बेटे? हमसे उसने 1,000 लिया था। रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी, वो ओड अस ₹1,000। और हमसे उसने पैसे कितने लिए थे बेटे? ₹1,000 लिए थे उसने। ठीक है सर।
रिसीव का मतलब कैश का आना, लो बेटे कैश आ गया, कैश को डेबिट कर लो। किससे किससे लेने थे हमें बेटे? नाम अगर ना दिया हो तो कस्टमर या डेटर लिख सकते हो आप, टू डेटर्स अकाउंट, कैश टू डेटर्स अकाउंट। अगर डेटर से हमें पैसे मिले, कुछ पैसे हमारे डूब गए, डूब गए तो लॉस है, लॉस है तो बेटे बैड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए। डन सर। अमाउंट लेने कितने थे? 1000 लेने थे। कितने लेने थे बच्चों? 1000। कितने परसेंट मिल गए आपको? 60%, यानी 600। डन डन सर। तो पैसे डूब कितने गए आपके? 400। आ गया होगा बैड डेट्स समझ आप लोगों को। तो बैड डेट्स और डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है बेटे। बैड डेट्स की एंट्री तो आप समझ ही चुके हैं कि भाई बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है और लॉस को हम क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बैड डेट्स और डिस्काउंट के बीच में। दोनों के अंदर हमारे पैसे कम होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या याद रखना कि डिस्काउंट में बेटे फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होगा। डिस्काउंट के अंदर क्या लिखा होगा? फुल सेटलमेंट वर्ड, है ना। रिसीव्ड 5000 आउट ऑफ 10000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम राम, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। हम कुछ कम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और हम अमाउंट को फुल सेटल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? डिस्काउंट। बैड डेट्स में ऐसा नहीं होता है। बैड डेट्स में दो वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इनसॉल्वेंट लिखा होगा। बच्चों ध्यान दो आप लोग, बैड डेट्स में दो बातें आपको ध्यान रखना है कि या तो कहीं ना कहीं जी इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा होगा, या बेटे कहीं ना कहीं रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर लिखा होगा। तो बेटे ऑफिशियल रिसीवर वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर कोई किसी बंदे को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया होता है। जिस पर्सन को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया ना, वहां पर उसको एक ऑफिशियल रिसीवर उसके लिए अपॉइंट किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, और जिससे जिससे उसने उधार लिया उसके उसके पैसे को पेमेंट करेगा कौन? ऑफिशियल रिसीवर करेगा। तो दो बातें बैड डेट्स के केस में आप लोग रट लो, या तो कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में इनसॉल्वेंट वर्ड लिखा होगा, जी सर, या बेटे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड लिखा होगा बेटे यहां पर, फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। दो बातें याद रखना बैड डेट्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट गुड़ बातें बता रहा हूं आप लोगों को दो, या तो बेटे ऑफिशियल रिसीवर लिखा होगा या कहीं ना कहीं आपको इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो चीजें समझ आ गया होगा आप लोगों को बैड डेट्स के अंदर। और प्रैक्टिस बेटे जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, जैसे TS ग्रवाल सर का बुक होगा, DK गोयल सर का बुक है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते जाइए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करें, NCERT से क्या करें आप लोग, NCERT की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटे। गूगल से NCERT की बुक डाउनलोड कर लीजिए क्लास 11, और वहाँ से खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बेटे, उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लास आप लोग को समझ आया है। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, व्हाट्सएप जरूर करें। मिलता हूँ अगला वीडियो लेके। थैंक यू बेटे, बाय बाय।